हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा चौहान फैमिली। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम, सुबह सुबह का टाइम है और बज रहे हैं शाम के 6:30। तो सुबह सुबह के टाइम में गला थोड़ा मतलब बैठा हुआ रहता है, तो आवाज़ थोड़ी अजीब सी निकलती है। और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू और साथ में मेरी बेटी सो रही है अभी, क्योंकि सुबह के 6:30 हो रहे हैं। तो अभी बाबू मेरी ये सो रही है और साथ में पतिदेव जी गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो चलो, जब तक मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। सुबह का सबसे पहला काम है झाड़ू लगाना। वैसे फ्रेश होके मुँह हाथ धो के तो ही झाड़ू लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने सर पे रख लेती हूँ दुपट्टा, क्योंकि सर को बिना ढक के झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपना दुपट्टा ले लेती हूँ। दुपट्टा कहाँ है मेरा, यह है दुपट्टा, तो सर पे रख लेती हूँ। उसके बाद चलो अब लगाते हैं झाड़ू। तो झाड़ू तो वैसे मैंने निकाल लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये नीचे रखा हुआ है, ये देखिए। तो चलो अब मैं पहले झाड़ू लगा लूँ, फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो झाड़ू मैंने लगा लिया है और साथ में मैंने गीज़र भी ऑन कर दिया है और फिल्टर से पानी भी भर लिया है। तो जो लगभग लगभग मॉर्निंग का जो काम रहता है वो सारा फिनिश हो गया है। तो मैं बैठी हूँ थोड़ी देर, क्योंकि गीज़र ऑन किया हुआ है। पानी जब गर्म हो जाएगा तो मैं नहाऊँगी, फिर पूजा करूँगी। और अभी पतिदेव जी आए नहीं मॉर्निंग वॉक से, और बेटी मेरी अभी भी सो रही है। और बेटा दूसरे रूम में सो रहा है, तो उसको थोड़ा लेट उठाऊँगी, क्योंकि लेट नाइट थोड़ा स्टडी करता है, तो बच्चों की नींद पूरी होनी चाहिए। तो बस इंतज़ार है गीज़र में पानी गर्म होने का। और जैसे मैंने आप सबको पहले ही बताया है, मैं जब भी गीज़र ऑन करती हूँ तो मैं वॉशरूम के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, गीज़र ऑन करके बाहर आ जाती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे काफ़ी डर लगता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, जैसे गैस बन जाती है बाथरूम में, गीज़र ऑन करने से कई बार फट जाता है, तो थोड़ा डर सा लगता है। इसी वजह से गीज़र में जब पानी मैं अच्छे से गर्म कर लेती हूँ बंद करके, 2 मिनट बाद फिर मैं कपड़े धोने या फिर कुछ भी मतलब नहाना धोना जो भी हो जाता है वो गीज़र बंद करने के बाद ही करती हूँ। तो मैं नहा के आ गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और मेरी बेटी भी उठ गई है और डांस कर रही है, ये देखो, ये देखो कन्हैया मित्तल सिंगर है और भी डांसर है। पीयू डांस कर रही है। कौन से गाने में डांस कर रहे हो पीयू? कौन से गाने में डांस कर रहे हो पता ही ना? स्पीकर वहां रखा हुआ है। खाटू वाले, हाँ डांस करो, करो डांस करो। मेरा काम बनाएंगे। और बेटा मेरा भी उठ गया है, थोड़ा लेट उठा है बेटा भी उठ गया है, थोड़ा लेट उठा है आज। मॉर्निंग के कितने बज रहे हैं, 7:35 बजे ये लाड साहब जी उठ रहे हैं। रात तो ऐसे लेट सोया था, इस वजह से थोड़ा लेट उठा है। नो नो, वही रखो 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 बेटा। अच्छा, कितनी बदमाश है, स्पीकर अपने हाथ में लेकर डांस कर रही है। हाँ वहाँ रखा, डांस करते हैं। अब मैं कर लेती हूँ पूजा मंदिर, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। हो गया है हमारा और पतिदेव जी जा चुके हैं ऑफिस। और हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी धूप निकल गई, अभी मैं पीछे से बैठ के आई हूँ मतलब नाश्ता करके। तो और कुछ खाने का मन कर रहा था मेरा, तो मैं ये खा रही कुरकुरे पॉपकॉर्न। तो आ जाइए आप सब भी मेरे साथ
खाइए। और दोनों बच्चे ना पीछे लड़ रहे हैं, देखिए आवाज आ रही होगी आपको रोने की, मेरी बेटी की, ये देखिए बहुत लड़ते हैं दोनों। मेरी बेटी को लेके जा रही हूँ पार्क, और ये देखिए वीडियो में मैं इसको ले रही थी तो लेटा हुआ पढ़ा था, अब बैठ गया पढ़ने के लिए। ये होते हैं देखो बच्चे, वैसे ना बैठे बैठे कमर में दुख जाती होगी, बच्चों के साथ में बैठे रहते हैं ना पढ़ने के लिए। तो अब मैं जाती हूँ अपनी बेटी को लेके पार्क। चलो पार्क चलते हैं। बाबू क्या कह रहे हो, देखो लाइट भी नहीं बंद कर सकते अपने से। और देखो ये देखो ये देखो ये देखो लेट गया ना फिर से, ये देखो ये पढ़ाई हो रही है इनकी। साइकिल नहीं बेटा, ऐसे चलो बेटा, शाम को लेकर चलेंगे साइकिल, अभी धूप हो रही है ना, चलो अभी ऐसे घूम के आएंगे, चलो पार्क चले। मेरे घर के बिल्कुल पास है जिम, और मतलब पार्क है, पार्क में जिम बनाया हुआ है। यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए आते हैं, और यहाँ पे ना बच्चे ना जिम को झूला समझते हैं और बहुत शौक से खेलते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे आए हैं, और अब मेरे ख्याल से ना बच्चों की जल्दी छुट्टी हो गई है, इस टाइम 10:30 हो रहे हैं। देखो 10:30 कितने सारे बच्चे यहाँ पे झूला बैठ के झूला बैठू मतलब है जिम करने के लाइन में। मेरी बेटी देखते अलग ही अपने आप में मस्ती कर रही है, और मेरी बेटी का तो मत पूछो, बिल्कुल भी पार्क से तो घर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं पार्क से आके मेरी गुड़िया काफ़ी रोने लगी थी, तो मैंने अपनी गुड़िया को अभी सुलाया है, देखिए और गुड़िया सो गई है, और घर में काफ़ी शांति हो गई है। बच्चों के सोने के बाद ना घर में बहुत ज़्यादा शांति हो जाती है। तो सुबह दूध आया था तो मैं दूध गर्म करना भी भूल गई थी आज, तो अभी दूध मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। ये देखिए दूध जैसे गर्म होगा फिर मैं सोचती हूँ क्या बनाऊँगी आज। वैसे मेरा बेटा बोल रहा है फ्राइड राइस बनाने के लिए, तो उसको मैंने ना टमाटर लेने के लिए भेजा हुआ है। वैसे टमाटर है रखे हुए, पर फ्राइड राइस में ना थोड़ा टमाटर का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि लहसुन प्याज तो हम खाते नहीं हैं, तो हम हमारे लिए तो टमाटर ही सहारा है एक तरह से। तो इसी वजह से ना टमाटर थोड़े कम है, मतलब है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, तो थोड़े से कम है। तो इसी वजह से मैंने अपने बेटे को बोला कि टमाटर ले आओ। तो देखती हूँ, अभी नहीं बनाऊँगी तो शाम को बनाऊँगी फ्राइड राइस। तो आज शनिवार है और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं खिचड़ी बना दूँ, क्योंकि शनिवार के दिन ना खिचड़ी खाना सही रहता है और अच्छा रहता है। तो उड़द दाल की हमारे यहाँ पे खिचड़ी बनाई जाती है, तो देखती हूँ अगर मेरा बेटा बोलेगा कि मामी खिचड़ी बना दो तो मैं खिचड़ी बना दूँगी। तो सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ पर्दे, क्योंकि अगर मैं लाइट जलाऊंगी ना तो क्या कहते हैं पूरा पूरा व्यू दिखेगा बाहर का अंदर का। तो पर्दा लगा के फिर मैं उसके बाद मैं लाइट ऑन करूंगी। ये देखिए अंधेरा हो गया है, तो मैं लाइट जला लेती हूँ। लाइट जला लिया है, और यहाँ पे ना गुड़िया की कुर्सी थी तो मैं टकरा गई थोड़ा, जब तक मैंने धीमी आँच में रखा हुआ है दूध। धीमी धीमी आँच में ना दूध बहुत अच्छे से बॉयल होता है, और अगर हम धीमी आँच में दूध को बॉयल करेंगे ना तो जो मलाई होगी हमारी बहुत ही मोटी परत की मलाई आती है। वैसे तो हम गाय का दूध लेते हैं तब भी मतलब ठीक ठाक मलाई जम जाती है अच्छी खासी। तो बस मैं अपने बेटे का वेट कर रही हूँ, अगर मेरा जो बेटा बोलेगा तो मैं वही, मैं अपने अपने मन से खाना कभी नहीं बनाती हूँ, जो मेरे बच्चे जो मेरे पति देव जी बोल देते हैं मैं वही मतलब बना के देती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मेरे मन में है मैं वही बनाऊँ, नहीं, सबसे पहले मैं अपने बच्चों से पूछती हूँ बच्चों क्या खाओगे, तो उसी हिसाब से फिर मैं खाना बनाती हूँ। अगर मेरे बेटे ने बोल दिया कि मामी फ्राइड राइस खाऊँगा तो मैं फ्राइड राइस बना दूँगी, अगर खिचड़ी बोलेगा तो खिचड़ी बना दूँगी। वैसे ना मेरा मन कर रहा है शाम के टाइम बनाने का, क्योंकि अभी बज गए हैं 12:30 पूरे के पूरे, और फ्राइड राइस बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत टाइप्स की सब्जी काटनी पड़ती है, फ्रांस बीन की फली मतलब बीन्स, गोभी, गाजर, मटर को छीलो, फिर पनीर भी है, आलू भी है, मतलब आज ना सब कुछ है। तो मन कर रहा है कि आज ना फ्राइड राइस बनाने का, तो सोचती हूँ, वेट कर रही अपने बेटे का। हाँ बेटी तो मेरी सो रही है, और पति देव जी तो वैसे ऑफिस गए हैं, आज उनका हाफ डे भी है, तो 1 बजे के करीब आ जाएंगे, और 12:30 हो गए, मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया है। तो खिचड़ी मतलब 100% चांस है कि मैं खिचड़ी ही बनाऊं, क्योंकि अगर फ्राइड राइस बनाना होता तो मैं 10:30-11 बजे के करीब मैं सारी की सारी तैयारियां करना शुरू कर देती, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है
चावल को बॉयल करके बनाते हैं, कुकर में नहीं बनाती हूँ मैं चावल को, पहले बॉयल करके फिर बनाती हूँ। तो फिर मैं अपनी बेटी को लेके पार्क भी चली गई थी। पार्क में अब मतलब मैं 12 बजे के करीब आई हूँ, और मैं कब गई थी 10:30 बजे के करीब गई थी, फिर 12 बजे के करीब आई हूँ पार्क से। घर के सामने ही पार्क है हमारे, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे खेल रहे थे, क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो गई थी तो बच्चे पार्क में आ गए थे। तो मेरी बेटी भी ना उन बच्चों के साथ इंजॉय कर रही है। अभी भी ना पार्क में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बट धूप हो गई है, मैं बहुत ज़बरदस्ती अपनी बेटी के बेटी को लेके आई हूँ, आते नहीं हैं बच्चे पार्क से। कल भी गई थी, मतलब डेली मैं अपनी बेटी को लेके ज़रूर जाती हूँ। और फ्रेंड्स मेरा, हमारी छोटी फैमिली है, छोटी फैमिली में ना इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहता है। मैं मतलब जिस दिन काम रहता है उस दिन काम हो जाता है, वैसे तो सारा दिन फ्री रहते हैं। सुबह के 2 घंटे काम रहते हैं, शाम के 2 घंटे काम रहते हैं, बाकी सारा दिन कोई काम नहीं रहता। सुबह के 2 घंटे में सारा काम हो जाता है, शाम के 2 घंटे में सारा काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स अभी बस मैं अपनी बेटी का वेट कर रही हूँ। तो चलो अब मैं ये अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, ठीक है? और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और साइड में छोटा सा बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।